करीब शाम के 5 बज रहे हैं और हम सिंधु बॉर्डर में मौजूद हैं। हम अक्सर लाइव इंटरव्यू करते हैं लेकिन यहाँ पर इंटरनेट जामर लगाया हुआ है, जिसकी वजह से हम आज ये इंटरव्यू जनता के बीच रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन आज सिंधु बॉर्डर पे बात किसानों की करेंगे, क्योंकि किसानों की बात अगर जैसे ही गोदी मीडिया कर रहा है, वो उन्हें नक्सली बता रहा है, वो उन्हें आतंकी बता रहा है, वो उन्हें ओपोजिशन का प्रोपेगेंडा बता रहा है। तो मेरे साथ मौजूद है रेबल सदानंद पति। तो मेरा पहला ही सवाल आपसे है कि हम आज किसानों के बीच में हैं, लेकिन उसके बावजूद ये किसान नक्सली है, आतंकी है और सरकार का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? जय हिंद जय भारत। में रेबल सदानंद पति और एक सीधी सी बात आप लोगों से कहूंगा कि जो भी व्यक्ति आज गोदी मीडिया के खिलाफ बोले वो अर्बन नक्सली है, वो आतंकवादी है, नया कुछ नहीं है। आपके बीच आपका बेटा 27 बार जेल की यात्रा करके बैठा है तो शायद वो भी आतंकवादी होगा या नक्सली होगा, लेकिन मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। अब कत्ल होने का क्या डर है? अब तो हमने कातिलों की बस्ती में मकान ले ली। सीधी सी बात है, रेबल फाउंडेशन के 11,23,00,000 लोगों का पूर्ण समर्थन किसान आंदोलन को देने के लिए मैं 39 घंटे का सफर करके पश्चिम बंगाल से सीधा भी यहां पहुंचा हूं। दोस्तों, लगातार 3 हफ्ते से मैं पश्चिम बंगाल रहा हूं, वहां भी आपने देखा है लोगों की गाड़ियां तोड़ी गई, बीजेपी का प्रचंड वार वहां भी हो रहा है। लेकिन एक गलती कर दी, फिर भी मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी का। मोदी जी आपको धन्यवाद है, आपने किसान आंदोलन के माध्यम से हम सबको एक कर दिया। अच्छा हुआ आपने किसानों को छेड़ा, अगर आप किसानों को नहीं छेड़ते ये मुल्क एक नहीं होता। मैं शुक्रगुजार हूं आपका। अब यह आंदोलन कहां तक जाएगा वो आप भी देखेंगे, देश भी देखेगा और विश्व भी देखेगा। चलिए, आपने धमकी दे दी सरकार को, लेकिन सवाल तो मेरा वही है कि सरकार ने कहा है कि ये जो कानून है, जो 3 कानून की बात हो रही है, वो किसान के हित में है, लेकिन किसान विरोध कर रहा है। अब आपने सरकार को धमकी तो दे दी, लेकिन ये बताइए कि ये जो फायदे की बात हो रही है, क्या वो वाकई फायदा है या नहीं है? देखिए, आपको भी थोड़ा असर हो गया है, आपने बोला धमकी दे दिया। मैंने तो केवल अपनी बात कही है, दीदी आप दीदी हमारी, मैंने तो केवल अपनी बात कही है। अब रही बात है इनके 3 बिल 4 बिल और 5 बिल, जब आप मेडिकल की बात करते हैं तो आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए, जब आप उद्योग की बात करोगे तो उद्योगपतियों से बातचीत करनी चाहिए। ये देश के पहला प्रधानमंत्री है पहले जो किसानों की बिल लाते हैं लेकिन किसानों से पूछते नहीं है, किसानों से डिस्कस नहीं करते, और बिल लाने के बाद कोरोना काल में इसको पास भी कर देते हैं। और मजे की बात देखिए, 2020 में ये किसान बिल पास होता है और 2019 में अदानी जी की 17 कंपनी रजिस्टर्ड होती है देश के कोने कोने में। देखिए षड्यंत्र आप जब खुद रचते हैं, आज नहीं तो कल सच को सामने आना ही है। दुनिया देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, सच के लिए आप दुनिया को छोड़ सकते हो, दुनिया के लिए आप सच को नहीं छोड़ सकते। आज नहीं तो कल ये पोल खुलना ही था। अगर इन्हें लगता है कि किसानों का बिल है, मैं एक काम करता हूं, मेरे पीछे हजारों के तादाद पे लोग हैं, माताएं बहनें हैं, आप 5-5 लोग चुन लीजिए इसी यही लोगों से। ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, एमटेक बीटेक नहीं होंगे मोदी जी की तरह, स्मृति ईरानी की तरह एमबीए नहीं होंगे ये। अच्छा मैं गलत बोल गया, सॉरी, स्मृति ईरानी तो 12वीं पास है, सॉरी माफ कीजिएगा बहन जी। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप इनमें से 20 लोग चुन लीजिए और अपने 50 मंत्री लेके आ जाइए और अपने 50 मंत्री का इनके साथ एक डिबेट करा दीजिए। वो आपको बता देंगे आलू कैसे लगाया जाता है, सरसों कैसे उगाई जाती है, जब गन्ना का खेती होता है कितना डायमीटर होना चाहिए, कितना फुट का खड्डा होना चाहिए। अगर निर्मला जी बता दें तो बहुत बढ़िया, मेरे भाई बहन बता दें तो बहुत बढ़िया। लेकिन बात तो वही आती है कि डायलॉग पे डायलॉग सरकार कर रही है, हर बार यही कहा जा रहा है, लेकिन इस डायलॉग में करीब 38 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। कड़ाके की सर्दी में किसान यहाँ नंगी आसमान के नीचे बैठा है, यहाँ पर हर लोग अपने लिए लोगों की मदद कर रहे हैं, लंगर चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सरकार इतनी ज्यादा कैसे इनसेंसिटिव हो सकती है कि 38 किसान अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं और अब तक इनको कोई सुपुर्द नहीं है। आप एक बात मैं आपको चेताना चाहूंगा, क्या होता है 38 लोगों की मृत्यु सरकार की नजरों में क्या होता है? कोरोना काल में लाखों मजदूर बेघर हो गए, 25-25 मजदूर ट्रक एक्सीडेंट में गुजर गए औरैया में। संवेदनहीनता कभी नेताओं में नहीं होती है, भावना हम जैसे लोगों में होती है, जो लोग यहाँ खड़े हैं, जो लोग यहाँ बैठ रहे हैं, जो अपने परिवार को छोड़ के पीछे जो लोग बैठे हैं, अपने परिवार बीवी बच्चों को छोड़ के यहाँ के क्यों बैठे हैं और अपने बच्चों को भी लेके आए हैं, ताकि ये आंदोलन नहीं ये हमारी आदत बने। क्योंकि हम लोगों की गंदी आदत हो गई थी, हमारे साथ कुछ भी कर लो हम तो सह लेंगे। कम से कम मोदी जी आपका लाख लाख धन्यवाद,
आपने पुणे में, एक बात बोलूंगा, आपने किसानों को छेड़ दिया, आपने एक ऐसी आग लगा दी जो मशाल आप बुझने वाली नहीं है। और इस आग में अब आपको जलना होगा, आपकी सरकार को जलना होगा, आप अदस्त होगी, आपकी सरकार जाएगी वापस। लेकिन फिर से बात वही आ जाती है कि जब बात सत्ता की आती है तो सत्ता ने अपनी नींद से उठकर हर बार एक नया कानून पास कर दिया। नोटबंदी थी, सीएनआरसी थी, तमाम ऐसे कानून आए जा रहे हैं, जीएसटी लागू कर दी, आम आदमी की कमर टूट रही है तो टूट जाए। लेकिन जब पुराने कोई कानून वापस नहीं किए तो आपको क्या लगता है कि किसानों की बात सुनेगी? देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, आज देश में एक विकट समस्या है। आज किसानों के सामने हमारे देश के जवान को खड़ा किया जा रहा है। आपके इस वीडियो के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं एक बात बताना चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा। पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आज जो आप ये फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ कोई आतंकवादी है क्या? क्या यहाँ कोई नक्सली है? यहाँ वो लोग है जो अन्न दाते हैं, जो उगाते हैं, किसी पे 5 बीघे, किसी पे 10 बीघे, किसी पे 3 बीघे, लोग कहीं से उधार लेके भी यहाँ पहुंचे हैं और लोग अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं, कई लोग डोनेट भी कर रहे हैं, कोई खाना बांट रहा है, अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहा है। आप मुझे ये बता दीजिए मोदी जी, आपके कौन सा नेता का बेटा एक जवान बना है? निर्मला जी का बेटा, राजनाथ सिंह जी का बेटा, आपके कैलाश विजयवर्गीय जो इसको आपने बंगाल का प्रभारी बना दिया, अमित शाह जी के बेटे तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन गए, वो जो फौजियों को आपने तैनात किया है ना, वो भी इन्हीं लोगों के भाई और बच्चे हैं। क्योंकि जवान जो है वो किसान के घर में जन्म लेता है, गलत तो नहीं है जी? बोले सोनियाल, बोले सोनियाल। देखिए, राजस्थान है, कोई भी है तो किसान का बच्चा है ना जी, हमारे भाई है, हमारे बच्चे है, हमारे बाप है, बड़े है, छोटे है, है तो हमारे है ना। इन लोगों ने कोठियों में बैठ बैठ के हम लोगों का आपस में ये भाई है, जो पुलिस वाले, जो फौज वाले हमारे है, हम उनको लड़ा रहे हैं, लेकिन हम उसको ये बात बोलेंगे कि तुम भी हमारे भाई जे, हम भी तुम्हारे भाई जे, आप भाई भाई बनना वा। इन लोगों ने सन को लुट के खा लिया, बिल्कुल हमारा पेट भरने का ना, इसने मोदी ने जी सब सब कुछ खा लिया, ट्रेने खा ली, एयरपोर्ट खा लिए, मतलब बोलेंगे तो कचहरी कोर्ट भी खा लिए, हमारा बच्चा हॉस्पिटल खा लिए, रोडवेज खा लिया, सब कुछ खा लिया, हमारे बच्चे कहाँ पर नौकरी करेंगे? हमारा इंडिया बेच दिया, हमारा महान इंडिया इन लोगों ने। मिलिट्री भी बेच दी थी, मिलिट्री वाले ने बोला उसकी मोटे में हमारा रैंक लगेगा, मिलिट्री को इसने रोक दिया, इस लोगों ने मिलिट्री भी रोक हमारी बेच दी। हमारे देश का हमारा देश होता है जो आर्मी के सिर में होता है, ये हमारे देश की आर्मी फेल होगी हम तो मर जाएंगे, अभी भी मरे हैं, बाहर भी मर जाएंगे, अभी बैठे हैं। सुनिए सुनिए, एक बात मैं इस वीडियो के माध्यम से और अपने तमाम भाइयों के सामने एक बात बुलंदी के साथ कहना चाहूंगा कि एक एमएलए, भाइयों सुनिएगा, एक एमएलए जब एमएलए रहता है तो एक पेंशन मिलता है, जब एमपी बनता है तो 2 पेंशन, जब वो मिनिस्टर बनता है तो 3 पेंशन। अगर ये मिलिट्री का हिमायती सरकार है तो जवाब दे दे कि फौजियों की पेंशन क्यों बंद कर दी गई है? सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, इंडियन आर्मी, आज किसी को पेंशन नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? अगर मोदी जी में पारदर्शिता है, अगर उनमें ईमानदारी है, तो उन्हें पीएम केयर फंड बनाने की क्या जरूरत थी? और अगर उन्होंने पीएम केयर फंड बना भी दिया, उससे आरटीआई से दूर रखने की क्या जरूरत थी? ये किसान आपसे कुछ नहीं मांगते, ये किसान आत्मनिर्भर हैं, आप इन्हें आत्मनिर्भरता का पाठ भी ना पढ़ाएं, ये अन्न उगाना जानते हैं, विस्मय परिस्थितियों में, सूखे में, अकाल में, बाढ़ में, ये हमारा और आपका पेट भरते हैं। आप इनके पेट में लात मारने का सोचिएगा, आपका शरीर का एक हिस्सा नहीं बचेगा। लेकिन बात तो फिर वहीं आकर रुक रही है कि हम यहाँ आपसे बात कर रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं, किसान अपना दर्द बता रहे हैं, कितनी महिलाएं वहाँ पर रो रही थी, बिल्कुल जैसा कि आप देख रहे हैं, आवाम का गुस्सा भी यहाँ पर है, लेकिन सरकार उसके बावजूद कह रही है कि ये प्रोपोगंडा है। मेरा उस सरकार के तमाम लोगों से, उसके आईटी सेल से और तमाम उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो एक दिन आकर इस कड़ाके की सर्दी में आके जमीन पर बैठ के एक बार देखे कि क्या ये प्रोपोगंडा, जब किसान आपका पेट भर रहा है, उसको लगातार ये कह जा रहा है कि वो अनपढ़ है, वो गवार है, वो तमाम चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर जिन किसानों से हमने बात की है उनके बच्चे कनाडा में है, उनके तमाम लोग अमेरिका में है, तमाम लोग कहीं ना कहीं अच्छी जगहों पर है, लेकिन उसके बावजूद यही कहकर इस
पूरे किसान आंदोलन को मोल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि ये उसके हक में है, लेकिन ये उसके हक में है तो इतने लोग सड़कों पे क्यों हैं? एक बार सोचने की जरूरत है। तो इंटरव्यू खत्म करने से पहले आप क्या कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, और क्योंकि आज इस वक्त लगातार आवाज उठाने की जरूरत है, आपको मुझे घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, अगर हम महसूस कर रहे हैं तो सरकार को क्यों ना ये चीजें समझ में आ। देखिए, मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा, निजी तौर पे मेरे दो बच्चे हैं, मेरे परिवार के सदस्य पिछले 10-12 दिन से यहाँ निरंतर आ रहे जा रहे हैं। मैं बंगाल से सीधे यहाँ पे आया हूँ और आपके वीडियो के माध्यम से अपने 11,23,00,000 जो मेरे फॉलोअर है मेरे फाउंडेशन में, बागी फाउंडेशन में, उनसे मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है, आपसे जो बन पाता हो आप इस आंदोलन में सहयोग दीजिए। हमने अपने लिए बहुत कुछ किया होगा अपने जीवन में, एक मौका मिलता है मनुष्य के जीवन में जिस काम को करने के लिए जीवित होता है या पैदा होता है, ये वही मौका है। अगर आज इस आंदोलन में हमने अपना योगदान दे दिया, कल को हमारे बच्चों को इसका फल जरूर मिलेगा, हमारा देश बचेगा, हमारा मुल्क बचेगा। और मैंने पहले भी कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, पहली बात, हमारे यहां कोई विवाद नहीं है। इन्होंने बोला गुजरात मॉडल बनाएंगे, अब एक बात सोचिए, आज सरदार यहां खड़े हैं, जब कुर्बानी की बात आई तो इन्हें सरदार चाहिए था, जब शहादत चाहिए था तब सरदार चाहिए था, जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तब इन्हें सरदार चाहिए था, जब मंगोल तुर्क अंग्रेजों से चाहिए था तब इन्हें सरदार चाहिए था, लेकिन आज जब किसान आंदोलन में सरदार खड़ा है तो कहते हैं आप दिल्ली छोड़ दीजिए। जिंदाबाद, सत श्री अकाल। खुशबू जी, आप एक बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं और आपने एक आयाम क्रिएट किया है, 2 मिलियन के आसपास आपके सब्सक्राइबर हैं आपके चैनल के, देश विदेश आज सफर करती हैं, आपने कई मौके बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं, मुझे लगता है आज अक्षय कुमार से पूछने का यह सही वक्त है, मुझे लगता है आज कंगना रनौत की बीन बजाने की जरूरत है, और मुझे लगता है सास भी कभी बहु थी की स्मृति ईरानी, उनको आज चूड़ी भेजने की जरूरत है कि जिस रोटी को तुम खा के इतनी सेहतमंद हुई हो, आज वो किसान यहाँ पे बैठा है और तुम वहां से बैठे बैठे डायलॉग कर रहे हो, डायलॉग करना यहाँ हो। माननीय मोदी जी, आप एक बात जान लें, आपने सोचा होगा वार करोगे, लेकिन यहां आपको प्रचंड प्रहार वापस मिलेगा। ये किसान है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में नहीं बटेंगे, और ये सर कटा सकते हैं पर सर झुका नहीं सकते, आपको बात समझना होगा, आपको बात समझना होगा, यहां सर ना रहे कोई बात नहीं पर सर झुकेगा नहीं, आपको ही झुकना पड़ेगा। हमें इस किसान बिल में कोई संशोधन नहीं चाहिए, हमें ये किसान बिल ही वापस चाहिए। मैं पुनः एक बात बोल देना चाहूंगा, हमें इस किसान बिल में कोई भी संशोधन नहीं चाहिए, हमें किसान बिल वापस चाहिए।